छप्पर माल में मसाज पार्लर की आड़ में वैश्यावृत्ति का धंधा के बारे से सूचना प्राप्त हुई थी, जो इस संबंध में रेड करके 4 मेल और 11 फीमेल को काबू किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 11 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 4 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। आज करनाल के सेक्टर 12 में सुपर मॉल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की टीम वहां पर छापा मारने पहुंची। जिसके बाद मॉल में चल रही सभी स्पा सेंटर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं करनाल के स्पा सेंटर से, जहां पर आज पुलिस की तरफ से रेड की गई। सेक्टर 12 में सुपर मॉल में कई स्पा सेंटर चल रहे थे, जिसमें कई युवक और युवतियां काम करती हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहां पर स्पा सेंटर के नाम पर गलत काम होता है, वहीं यहां पर लोग दूर दूर से आ रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस की टीम में डीएसपी मुकेश और सिविल लाइन थाने के एसएचओ की अगुवाई में ये रेड की गई है। और 3 अलग अलग स्पा सेंटर में रेड की गई, जिसमें कई युवतियां अंदर आपत्तिजनक हालत में मिली है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आपको स्पा सेंटर के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपत्तिजनक चीजें भी पाई गई हैं। साथ ही युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पाया गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुपर माल में मसाज पार्लर की आड़ में वैश्यावृत्ति का धंधा के बारे से सूचना प्राप्त हुई थी, जो इस संबंध में रेड करके 4 मेल और 11 फीमेल को काबू किया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है और बाल पूछताछ जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, आपत्तिजनक चीज़ें भी बरामद हुई हैं कुछ? आपत्तिजनक चीज़ें, कंडोम यूज्ड और जो डस्टबिन में जो कंडोम है वो आपत्तिजनक चीज़ें। बताएं, इनके पर्स से भी बरामद हुए हैं? कितनी लड़कियां हैं? 11 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सर? अभी उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके मोबाइलों को खंगाला जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो शहर में और जगह भी सर चल रहे हैं स्पा सेंटर? जहाँ के बारे में भी सूचना प्राप्त होगी वहीं के बारे में सख्त कार्रवाई की। सर, पुलिस लगातार जो है ऐसी रेड करती है, पहले भी सुपर मॉल में रेडें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी लगातार ऐसे स्पा सेंटर किस तरीके से चल रहे हैं सर? जिसके बारे में सूचना पुलिस को प्राप्त होती है उसके बारे में कार्रवाई की जाती है, मालिक के खिलाफ भी और जो इसको चला रहा है या इसमें जिस धंधे में जो भी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ। तो इनके पास स्पा सेंटर कितने थे सर? लाइसेंस वगैरह होता कोई? इनके पास सुपर मॉल में कुल 7 के करीब स्पा सेंटर थे, जिनमें से 3 स्पा सेंटर से हम 15 लोग रेड के दौरान कुछ पता चलते ही भाग भी। सर, पहले भी कार्रवाई होती है, छूट जाते हैं, फिर दोबारा उसी काम में लग जाते हैं सर? तो मजबूती के साथ में केस बनाएगी, लेकिन जमानत पे फिर बाद में बाहर आके दोबारा लग जाते हैं। वहीं अलग अलग स्पा सेंटर से पुलिस ने 11 लड़कियों को गिरफ्तार किया है और 4 युवकों को भी पुलिस अपने साथ में ले गई है। वहीं लड़कियों के मोबाइल फोन
पर्स भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस को अंदर से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं। पुलिस अब इन लड़कियों से पूछताछ कर रही है कि ये लड़कियां कहां से हैं और गलत काम कब से कर रही हैं। फिलहाल सभी युवक और युवतियों को हिरासत में लिया गया है, वहीं पूछताछ जारी है। तो आपसे फिलहाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।